काफ़ी सिग्निफिकेंट नुमायाँ गिरावट आई है और उसके लिए मैं तमाम श्रीनगर वालों का, आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तमाम मीडिया वालों ने उस मैसेज को काफ़ी आम किया और हमने देखा कि हर जगह किसी मार्केट में देखें आप या जहाँ भी गैदरिंग थी वहाँ हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे आप 100 के करीब केस निपट गए, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को ज़ीरो करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा यहाँ से तभी ख़त्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझे कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। ये सर देखिए स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर कि 15-18 जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज है स्कूल खोलने से पहले, वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ हैं और स्कूलों को खोलने के बारे में जो फाइनल डिसीजन है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लेना। देखिए एसिड अटैक का जो आपने जिक्र किया उसमें कल जो ड्राइव्स हुई थी उसमें मार्केट्स के अंदर हमारी जो तैनात कमेटीज़ हैं पूरी सेल को रेगुलेट करने के लिए कल 13 प्रीमिसेस सील किए गए और ये ड्राइव इसके बाद भी जारी रहेगी। आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए हम हमेशा पेश रहते हैं। एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको गवर्नमेंट ने कंप्लीट उनका जो इलाज है सारा गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है। उनको जो माली मदद थी वो भी हमने प्रोवाइड की, उनको यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस पर। तो हम एसिड विक्टिम के सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एसिड विक्टिम के कंप्लीट रिहैबिलिटेशन के लिए हम वादाबंद हैं, हम बिल्कुल उसमें कंप्लीट उसका पूरा ध्यान रखेंगे। सर आप देखिए डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्नोसिस काफ़ी पॉजिटिव है और हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि एसिड विक्टिम जो है एसिड सर्वाइवर वो जल्द सेहतियाब होकर वापस अपनी ज़िंदगी जो है